हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में हमारे शहर में एक बंदा आया जिसका नाम है बादशाह। आते उसने थोड़ी प्रॉब्लम ये करी है कि उसने तो सबसे पहले माइकल को किडनैप करा और मुझे बोलता है कि ट्रेवर मेरे को चाहिए तेरा अंकल मिस्टर फिलिप्स। मैंने उसका बेवकूफ बनाया, बट फिलहाल भाई वो बंदा ढीठ है, जिद्दी है, मान नहीं रहा। देखते जैसा भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात, बट डगन किडनैप हो चुका है, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो चुकी है, बट मैं सैटेलाइट जो परेशानी दे सकती थी उसको माइकल ने बर्बाद कर दिया। अगर आप लोगों ने सुबह वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया कर लीजिए, उसमें काफी चीजें हो चुकी है। चैनल फर्स्ट पर वो आगे रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर के आप उसको समझ लीजिए। तो चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ सीधा लेस्टर के पास में, क्योंकि मुझे लेस्टर से बोल करके सारी हिस्ट्री निकलवानी पड़ेगी अपने इस प्यारे भाई की, क्योंकि मुझे लगता नहीं भाई जब तक हिस्ट्री नहीं पता चलेगी ना, ये बादशाह भी परेशान करेगा और ये एडम भी। मेरे को इन दोनों की पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। जैसे ही कुंडली निकलेगी इनकी कमजोरी पता चलेगी, और कमजोरी पता चलते ही मैं इन दोनों का दी एंड कर दूंगा। करना ही पड़ेगा भाई। एडम को मैंने सोचा था नहीं मारूंगा, बट अब उसका दी एंड ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो बंदा परेशानी बनता रहेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई रोज रोज मैं उसी से लड़ूं। मानता हूं वो स्पेशल है, उसमें दम है, पावरफुल है, बट फिर भी क्या ही करें, मारना उसको पड़ेगा। अपना प्यार ट्रेयर भाई पहुंच चुका है, तो चलिए फटाफट से लेस्टर के पास निकल के बहुत सारी बातें कर दी है। माइकल बिल्कुल सेफ है, माइकल को एंटीडोट दे दिया गया है। माइकल पहले गैरेज में था, मैंने उसको भी घर पर शिफ्ट करवा दिया है, घर पर ही रहेगा, आराम से सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके घर पर थोड़ी देर में कुछ गार्ड भी पहुंच जाएंगे, पहुंचते फिर वो सेफ रहेगा वहां पर। मैंने सोचा घर पर रेस्ट करेगा, एवेंट उसकी केयर वगैरह करती रहेगी। अब गैरेज में रहेगा तो भाई वहां पर कोई भी नहीं रहेगा उसकी सेवा करने के लिए, कोई ना कोई घर पर वो ख्याल रखता रहेगा। चलिए सारी चीजें मैं बैलेंस में लेकर के आ जाऊंगा। मैं फैक्ट्री पर भाई पहुंच चुका हूँ, मेरे दोस्त की फैक्ट्री में लेनी मजे ले रहा है। वैसे तो इसी की है, बट भाई दिमाग के हिसाब से ये खुद के दिमाग में है ही नहीं एक तरीके से। कोई बात नहीं, टेस्टर लगा हुआ है दिन रात भाई टाइम मशीन बनाने में। क्या बताओ, बंदा बना ही डाले भाई अपने बेटे के चक्कर में, भरोसा तो कुछ नहीं है। वाओ भाई वाओ, अबे लेस्टर अब तो पूरे रूप पे आ गया, अब तो तूने कपड़े पहनने शुरू कर दिए पुराने वाले। अच्छा लेस्टर मतलब लेनी ब्रो, तेरे को बोला था ना मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बादशाह के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। मुझे बताओ उसकी कितनी पावर्स है, कहाँ का है, हर एक चीज़ मेरे को जाननी है, समझ रहा है। और एडम की इन्फॉर्मेशन, ये दो काम है तेरे, इसके अलावा तो कुछ काम मत कर, बस यही कर, समझ रहा है। मैंने लेस्टर को सारी बातें समझा दी। लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरे भाई तो मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दे। मैंने बोला टाइम चाहे जितना भी ले ले, बट प्लीज अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना लेनी तो बुरा हो जाएगा तेरे साथ में। फिलहाल तो चलिए अच्छे से काम ये कर रहा है मेरे साथ, अभी कोई धोखा तो नहीं दे रहा। आपको पता है धोखा भी दे सकता है भाई, क्योंकि ये मेरे को दुश्मन मानता है, बट कोई बात नहीं, देगा तो इसका ही नुकसान होगा, नहीं तो फिर मैं इसको सीधा कर दूंगा। जल्दी से जनरल से मिलने के लिए चलता हूँ, मुझे बुला रहा है भाई, बोल रहा है बहुत ज़रूरी चीज़ ट्रेवर पता लगी है, आ जाओ। चलता हूँ, मेरा जनरल कुछ ज़रूरी बात ही बोलेगा। और आपको पता ही भाई हैकर उनके पास ही, मैंने सुबह पहुँचा दिया था, कभी हैकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली ना, ऐसा हो सकता है। पहुँचता हूँ, मैं फिलहाल पहुँच चुका हूँ जगह पर। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई जनरल, क्या हाल चाल है, बोलो क्यों परेशान हो आज तो तुमने मेरे को। जनरल मतलब मिलिट्री बेस में नहीं बुलाया, यहाँ पर बुलाया है, तो कुछ जरूरी बात है क्या, बोल। हम लोग ड्राइवर सब बेवकूफ निकले, सब बेवकूफ निकले, सहकर ने सबका इंडिया बना दिया, और सबसे ज्यादा बेवकूफ निकला तुम्हारा दोस्त माइकल। पता है उसने क्या कर दिया? मैंने बोला था ड्राइवर इसको सैटेलाइट को बर्बाद मत होने देना, दरअसल हैकर उसको हैक करने में फेल हो गया था ड्राइवर। उसने पूरी कोशिश कर ली थी, बट वो बंदा उसको आसमान में हैक नहीं कर पा रहा था। पता है तुम्हें क्या हो गया? फिर उसने माइकल तक ये बात पूछवाई, फिर माइकल ने तुमसे बात कंफर्म करी कि सच्ची में देश और दुनिया बर्बाद हो गई होगी। उसको फिर तुमने बात हाँ बोल दी, उसका दिमाग घूमा, ये सब उसके दिमाग में भरा किसने? उस हैकर ने ही। उसको नहीं पता था कौन उसको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था, वो हैकर ही चाहता था कि माइकल प्लेन लेके जाए और सैटेलाइट को बर्बाद कर दे। पता है क्यों? क्योंकि उस सैटेलाइट के सारे पार्ट्स चाहता था ट्रेवर। पूरी दुनिया में ऐसी चीजें और कहीं नहीं मिलती उसको जो हमने बना के रखी है, वो हमारे सालों की मेहनत थी ट्रेवर। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सैटेलाइट के सारे पार्ट्स यहाँ वहां पर गिर गए, और उस हैकर ने अपने बंदों को ऑलरेडी पहले नीचे लगा के रखा था। तुम चाहो तो पूरी जगहों पे जाकर के चेक कर सकते हो जहां पर भी सैटेलाइट के पार्ट गिरे हैं, कोई सिंगल पार्ट ट्रेवर ना हमें मिला ना तुम्हें मिलेगा। वो सारे पार्ट्स ऑलरेडी उस हैकर ने अपने कब्जे में ले लिए, अब वो उसको आराम से दोबारा बनाएगा और उसको दोबारा से एक्टिवेट करके सब बर्बाद कर देगा ट्रेवर। इसका मतलब उसको सैटेलाइट हैक नहीं करनी थी, उसको सैटेलाइट ही चाहिए थी, बट वो वहां तक नहीं पहुंच सकता था। उसने हमें तुम्हें सबको बकरा बनाया, उसने जानबूझ के सिचुएशन ऐसी बनाई कि तुम्हारे दोस्त ने पागल होकर के सैटेलाइट सच्ची में खराब करके तोड़ दी और उसको दे दी ट्रेवर। अब हम फंस गए ट्रेवर। बड़ा बुरा हुआ यार, इतना बड़ा प्लान बनाया उस हैकर ने, माइकल की बेवकूफी की वजह से उसको सैटेलाइट मिल गई। वो सैटेलाइट चाहता था भाई, उसने भाई टक्कर मारी प्लेन से, सैटेलाइट टूटी, उसके पार्ट्स नीचे गिरे और उसने उठवा लिए सारे के सारे, इर्ट कुछ नहीं छोड़ा। अब उन पार्ट्स को दोबारा से सही करके उस सैटेलाइट को दोबारा एक्टिवेट करेगा, कहीं पर रखे, कहीं पर भी रखेगा,
और फिर उससे सारे के सारे काम निकालेगा। मर गए भाई मर गए। जनरल नमूने पहले नहीं बता सकता था ऐसा भी पॉसिबल है क्या। मैंने सोचा था कि भाई हैकर वाला किस्सा खत्म हो गया, बट ये हैकर तो हमसे 10 कदम आगे चल रहा था। इसका मतलब भाई ये हैकर जानबूझ के हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, और जानबूझ के अरेस्ट हो रहा था। मतलब इसका काम तो चल ही रहा था ना। खेल गया भाई खेल गया नमूना, बहुत बड़ा खेल खेल गया। और इसमें माइकल ने सारा काम कर दिया, क्या ही बोलूँ इसका। मतलब भाई अभी ये बम वाली परेशानी हमारे ऊपर से हटी नहीं है, इसका मतलब दुनिया अभी भी खतरे में है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। कुछ तो भाई गड़बड़ है, और देखो मेरे को गड़बड़ दूर करनी पड़ेगी। रे ब्रो जो कुछ भी भाई प्लीज़ कोशिश कर, कोशिश करके हम सब कुछ सही कर दें, क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा। माइकल घर पर निकलता हूँ, उससे पूछताछ करता हूँ उसकी तबीयत कैसी है भाई। फिर उससे कुछ पूछूंगा कि भाई आखिर तेरे को कहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन, कौन था तेरा सोर्स। मैं उसको पीटूंगा, फिर क्या पता मेरे को चलते चलते इन बंदों को पकड़ते पकड़ते मेरे को सारी बातें और भी डिटेल में पता चल जाए, क्योंकि इस हैकर के राज भी अभी पता नहीं चल पा रहे आखिर हैकर कौन है। मैं टेक्नो को फ़ोन करता हूँ कि भाई तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ, जल्दी आ जाओ। फिलहाल वो लॉस एंजेलिस में नहीं है, डील करने के लिए गए, काफ़ी दिन उसे जाके रखे हुए हैं, इसलिए तो भाई मैं उनसे पूछताछ कर नहीं पा रहा कि ये हैकर वही है जिसको पकड़वाना चाह रहे थे, कोई और है, पता करता हूँ। मैंने टेक्नो को फ़ोन कर दिया है और टीजी को, वो कल तक आकर के मुझसे मिलेंगे, उसके बाद देखते करना क्या है। इन्होंने मेरी मुसीबत बढ़वाई है फ्री में, अब यही कोई सोल्यूशन देंगे जिससे मैं बच सकूँ और लॉस एंजेलिस बच सके। निकलता हूँ माइकल के घर पर जल्दी से। माइकल डिसेंट है घर पर, मैं पहुँच चुका हूँ। कभी भी अच्छे काम नहीं करता, हमेशा मेरी मुसीबतें बढ़ाता है। अगर गुस्से को कंट्रोल करके रुक जाता सुबह वाले एपिसोड में, सैटेलाइट को कुछ नहीं करता, तो सब कुछ सही रहता। अब और मुसीबत बढ़ गई हमारी। मैं माइकल के रूम में पहुंच गया हूँ। माइकल ब्लो ठीक है ना, पहले से तबीयत ठीक है ना, तो सही हो जाएगा, कल तक रिपेयर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। माइकल जरा बता सकता है किसने तेरे को फ़ोन किया था इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि सैटेलाइट से सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी ना, मैंने तो नहीं बताया था, मैंने सिर्फ कंफर्म किया था कि हाँ तेरे को सही इन्फॉर्मेशन मिली है। तेरे को पहुंचाई किसने सारी बात, बता सकता है। माइकल बोल रहा है ट्रेवर में रैंडम हैकर से जो कोई अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हैं मेरे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन चेक करवा ले, तेरे को पता चल सकता है। अब क्या बोले भाई, ये तो कुछ अलग ही बात हो गई है भाई, ऐसा तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। भाई जीवी के बचपन का फोटो मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा यार, इतने दिन से मैं घर पे घूमता रहता हूँ। यार जिमी पहले काफ़ी सही था देखा जाए तो, अब ये हाथी कैसे हो गया इतना खा खा के। एवेंडा के जवान का फोटो भाई देखो, एवेंडा में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ट्रेसी के बचपन का फोटो, इनके बचपन के फोटो भी काफ़ी सर रखे हुए इसके मतलब घर पर, मैंने आज तक कभी नोट ही नहीं किया। जल्दी हुए मैंने सोचा था बड़े वाले फोटो ही होंगे, मतलब कि इनकी जो एज है उसी टाइप के फोटो होंगे, बट ये बिल्कुल अलग निकले। आटा कहाँ यार, आज घर पर नहीं है, पापा की तबीयत खराब है और आटा घूमने की फुर्सत है। यार हद है यार, ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी भी नहीं सुधरेगा भाई, चाहे कितना ही सुधार लो इसको। चलो निकलते हैं। लेनी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है उर्फ लेस्टर ने, मेरे को बोलता है ट्रेवर इस बंदे की पावर बहुत ज़्यादा है, ये बादशाह तो इतनी आर्मी लेकर के आया तूने कभी सोचा नहीं होगा। फिलहाल इसने मेरे को कुछ कुछ इसके बेसिस के बारे में बता दिया और बोल रहा है कि ट्रेवर जगहों पर जा करके देख, और मैं तो कहता हूँ उनको धीरे धीरे ख़त्म भी करना शुरू कर दे। चलिए मैंने जा करके देखो किसी आखिर क्या करना चाह रहा है। फिलहाल भाई आपको याद है बहुत, मतलब एक जगह है जहाँ पर ट्रेन के डब्बे ऐसे बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर पहले डगन के बंदे थे, बहुत सारे अलग अलग बंदे रहते हैं भाई, जब भी कोई माफिया आती है हमेशा वहीं पर रुकते हैं, क्योंकि बेस बहुत अच्छा और खाली पड़ रहता है। तो पॉइंट क्या है, अब की बार ऐसे ही इसके बंदे भी आकर के वहाँ पे बहुत सारे रुके हुए हैं। तो चलिए भाई इसका भी सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं नमूने के सरदार का, पहले जाके देखो तो इसकी पावर्स। चलिए पहले बादशाह की सारी पावर्स चेक करते हैं, कितना इसमें दम है और कितनी प्लानिंग इसको लगेगी जान से मारने के लिए। सिंपल तरीके से मर जाएगा तो अच्छी बात है, अगर प्लानिंग से मारना पड़ेगा तो वो भी देख लेंगे। पहुँचता हूँ मैं फिलहाल भाई जगह पर, देखो पहुँच गया हूँ, यही वो वाला बेस है। देखो अभी ज़्यादा आगे जाऊँगा तो बंदे को मारना ही पड़ेगा, इसलिए मैं दूर से आपको बंदे को मतलब पूरा पूरा बेस दिखा देता हूँ। तो इससे पता चलता है कि बादशाह की पावर अच्छी है, बस इसका लिंक पता चल जाए, इसकी पूरी स्टोरी पता करने में लग रहा है भाई अपना ट्रैप, मतलब लेस्टर उसको मैंने बोल दिया तो बस ये पता करके बता दे, कन्फर्म बता दे कि आखिर ये है कहाँ से, क्यों आया है, फिर ये पंगा लेने क्या वजह पड़ी है। कुछ तो भाई देखो वजह है, ऐसा तो नहीं आया बंदा, आते ही लड़ाई करनी शुरू कर दी, इसका मतलब पुरानी दुश्मनी है। और कुछ तो पता चल जाएगा, चल जाएगा चल जाएगा, लेनी पता कर लेगा। फिलहाल मैंने आपको बंदे दिखा दिए, बंदे बहुत सारे हैं, अब देखना ये है कि आखिर क्या वजह हुई है आने की, पंगा लेने की। ट्रेवर से आकर के पिटेंगे, फिलहाल सभी को बाद में मारूंगा, पहले लगाऊंगा मिलिट्री का नंबर। मिलिट्री ने बड़ा परेशान कर दिया मेरे को, कल कुछ ना कुछ तो सोचूंगा भाई मिलिट्री के बारे में, क्योंकि बहुत दिन हो गए। वाह बेटे पत्थर हो तो ऐसा हो जिसके आर पार बंदा ही निकल जाए, सही है भाई सही है। तो चलिए मैंने आपको ये बेस दिखा दिया, मैं आपको दूसरी जगह पे लेकर के चलता हूँ। इसके बहुत जगह पर भाई बंदे से बैठा के रखे, सिर्फ यही नहीं है और भी जगह है। तो चलिए यहाँ से निकलता हूँ और उसके बाद जा करके चेक करते हैं। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल यही पर है बंदे, और बंदे यहाँ पर बैठा के रखे हैं। भाई आपको ये जगह याद आई है, ये जगह यहाँ पर देखो काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम चलते रहता है, यहाँ पे कुछ बन रहा है। फिलहाल पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे बंदों ने बेस बना के रखा है भाई, ये बेस पहले नहीं था, कुछ ही टाइम पहले बेस यहाँ पर आया है, तो समझ रहे हो भाई ये बंदे अभी अभी आके यहाँ पे रहना शुरू कर दिया इन्होंने। इसका मतलब जगह जगह पर बैठ करके बेस बना रहे हैं,
ताकि पहले अपने बंदों को यहाँ पे एडजस्ट कर ले और उसके बाद में एकदम से अटैक करे ट्रेवर के ऊपर। बट ऐसा तो मैं होने दूंगा ही नहीं, वो तो मुझे ही पता है भाई। देखो पर फिलहाल एक बार मैं चेक तो कर ही लूँ, मैं आपको इसकी बस पावर दिखा रहा हूँ धीरे धीरे कि कहाँ कहाँ पे अपने बंदों को बैठा रहा है मेरे को जान से मारने के लिए। आप देख रहे हो सामने की तरफ चाचा खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कंटेनर्स को यूज़ करके बेस बनाया गया है, और ये बेस कुछ ही टाइम पहले रेडी हुआ है भाई, मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले। आप देख रहे हो यहाँ पर बंदे एंट्री पर, एंट्री में इसका मतलब मैं जा नहीं पाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ये वाला बेस भी देख लिया, तो फिलहाल 2 जगह पर तो उसके बंदे ऑलरेडी है, कम से कम 250 से 300 बंदे भाई इन बेस पर हो सकते हैं। 2 नबे अंदाजा लगाया जा रहा है, तो 250 से 300 बंदे मतलब समझ रहे हो आर्मी काफ़ी बड़ी लाया है और बड़ी अटैक करने के चक्कर में लग रहा है। कोई बात नहीं सोच रहे तो इसको ओके भाई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैं एंट्री यहाँ से नहीं ले सकता। आप सामने देख रहे हो गेट पर बहुत सारे आर्मी खड़ी हुई है, वापस निकल लेता हूँ, अभी लड़ाई करनी नहीं है, अभी सिर्फ मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, जब अटैक करूँगा देख साथ करूँगा सभी बंदों को मारने के लिए। फिलहाल बस चेक कर लेते हैं इसकी पावर्स को। चलिए भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं, और भाई यहाँ तक नहीं हद तक होती है, मेरे बाइकर अड्डे पर भी बैठ गए बंदे। मेरा जो बेस है बाइकर वाला आपको याद ही है, वहाँ पर देखो मैं किसी को रहने देता नहीं हूँ, जब भी कोई आता है उसको ख़त्म कर देता हूँ, बट फिलहाल अभी नहीं मारूंगा इनको। हिम्मत तो देखो मेरी बेस पे घुस गए यार, खाली नहीं रहता वो बेस, मतलब क्या ही बोलूँ, ट्रेवर का है वो, अब 2-4 दिन खाली रह गए थे, थोड़ी उस पर कब्जा कर लो, यहीं पर बंदे है। तो चलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मैंने सभी को देख लिया, बंदे बहुत सारे यहाँ पर, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। अभी देखो अंधेरे का टाइम है, इस वजह से आप साफ देख नहीं पाओगे, बट फिलहाल बंदे बहुत सारे हैं। मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो मैं देखो लड़ाई हो सकती है, बंदे गोली चला सकते हैं, और फिर रिटर्न में मेरे को भी इनको मारना पड़ जाएगा, बट अभी मैं लड़ाई नहीं करना चाहता इसलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेसर को बोलता हूँ, लेसर बहुत बढ़िया भाई, तूने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी है, अब ज़रा मेरे को यही बता दे कि आखिर ये बंदे कितने हैं और टोटल कहाँ कहाँ पर कितने बेस है, और इसकी हिस्ट्री तेरे को कुछ पता चली कि बंदे मतलब कहाँ से आया है, इस पार्ट का ही बंदा है नहीं है, पता करता हूँ इसकी कुंडली सारी सारी। लेसर को मैंने सारी सारी बातें बोल दी है। फिलहाल मेरे को मेरे हैकर से फ़ोन करके ये बोला है कि ट्रेवर हमारे प्यारे भाई जी, ज़रा आप सेटेलाइट वाली जगह पर जाकर के चेक करो जहाँ पर सेटेलाइट गिरी थी, क्या बता कुछ पार्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाए, क्या बता आर्मी वाले बंदों को ठीक से ना मिले, वहाँ पर आप जाकर के चेक करिए। मैंने बोला ठीक है भाई चेक कर लेता हूँ, मैं पहुँच गया हूँ भाई जगह पर। तो फिलहाल ये रही हमारी प्यारी सी जगह, वो फिलहाल देखो भाई यहाँ पर सेटेलाइट गिरी है, उड़ते उड़ते बहुत सारे पार्ट्स इसके यहाँ पर देखे गए, ऐसे मेरे हैकर्स ने बोला है। ये एरिया आप देख रहे हो काफ़ी अंधेरे का टाइम हो के रखा है, मैं आस पास पूरा एरिया चेक कर लेता हूँ टॉर्च को निकाल करके। ये जगह है अपने माइन वाली जगह, वही गुफा वाली जगह, तो यहाँ पर गिरी है भाई ऊपर से गिरते गिरते। मैंने अपने टॉर्च भाई निकाल लिया, टॉर्च से मैं जल्दी जल्दी से पूरे पूरे एरिया को चेक कर लेता हूँ। वैसे यार हो तो मुश्किल सकती है, क्योंकि हमारे प्यारे भाई हैकर मतलब जनरल ने खुद बोला था कि भाई उसने सारा एरिया चेक करवा लिया, कद्दू भी कुछ नहीं मिला, कोई भी पार्ट सिंगल नहीं मिला, फिर भी हैकर्स बोल रहे ट्रेवर भाई चेक कर लो, क्या आपको मिल जाए। भाई यार जब उनको नहीं मिला मेरे को क्या अलग से मिल जाएगा, ट्रेवर की 4 आग तो नहीं लगी हुई है, चेक फिर भी भाई मैं कर रहा हूँ क्या अंदर मिल जाए। एक काम करता हूँ अंदर ही जा करके चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेवर भाई इसकी लाइट चलाइए, बहुत ही बढ़िया मैंने लाइट चला लिया, वैसे इससे तो ये भाई नहीं टूटने वाली, तो मेरे को आरपीजी मतलब कि राम प्रकाश भैया जी को निकालना पड़ेगा। ट्रेवर भाई निकालिए जल्दी से, चलिए चलिए फटाफट से, तो इसको तोड़ करके अंदर जाता हूँ। बट एक बात अजीब है, अगर भाई होती सेटेलाइट तो अंदर थोड़ी बाहरी तो होती ना, अंदर थोड़ी चले जाएंगे पार्ट्स उड़ उड़ कर। एक सीधी सी बात है, सोच रहे कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए कुछ भी, अंदर तो नहीं होगा, तो एक काम करते बाहरी चेक करते सारी सारी चीज़ें, मुझे लगता है बाहरी होने वाली है। बाकी अगर कुछ ऐसा लगा कि भाई मेरे को अंदर देखना चाहिए तो मैं अंदर देख लूँगा। यार ये ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैकर्स मुझसे, ये काम मेरे बंदों का है, एक काम करता हूँ बंदों को ही भेजता हूँ भाई, इतना टाइम मेरे पे है ही नहीं, इतना फिजूल टाइम नहीं है कि सच्ची में मैं ये काम करूँगा। मेरे पास फिलहाल भाई फ़ोन आया है हमारे प्यारे हैकर्स का, मैं करने ही वाला था उनको खुद ही मेरे पास फ़ोन आ गया, मैंने उनको सारी बातें समझा दी है, बट उन्होंने फिर एक बात मेरे से और पूछी कि ट्रेवर भाई हमें काफ़ी एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, वो ये कि आखिर वो लड़की से शादी क्यों गई टेरी ने, लड़की ने क्या चीज़ दी थी टेरी को, पता करो आप। तो फिलहाल चलिए भाई पता करता हूँ, आपको याद है ऐसी एक चीज़ थी लड़की के पास जो शादी के बाद ही उसको मिलती, और फिलहाल वो चीज़ के चक्कर में उसका मर्डर हुआ, और फिर वो चीज़ हैकर्स को मिली, ये सारा काम हुआ। तो आखिर क्या चीज़ थी भाई वो, कोई पासवर्ड था, कोई फ़ोन, कोई मतलब डिवाइस था, कुछ भी था, वो पता लग जाएगा, पहुँचता हूँ। मैंने भाई सारी की सारी बातें कर ली लड़की के पापा से यहाँ पर आकर के, ये निकलने वाला था घर के लिए, बट फिलहाल अच्छा मेरे को यहीं पर मिल गया। पॉइंट क्या है भाई, जल्दी से मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, अजीब बात है बट काफ़ी अमेजिंग भी है। फिलहाल ये हैकर बात सारी सारी जानता था, ये जो बंदा है ना काफ़ी इज्जतदार और इनके बहुत सालों से मिलिट्री से कॉन्टैक्ट है बहुत अच्छे से, तो फिलहाल ना ये चीज़ ना 3 या 4 बंदों को बांटी जाती है हर साल सिर्फ लड़कियों को। तो फिलहाल देखो मिलिट्री ने जब इस सैटेलाइट को बनाया था तो इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया था और डिवाइस को भी, जिससे डाल करके इनको हैक करना पॉसिबल है और इनको अनलॉक करके सारी चीज़ें अंदर से देख सकते हो उस पासवर्ड को। तो पासवर्ड जब आज से काफ़ी साल पहले जो वहाँ पे ड्यूटी पे जनरल था उसने ये सारी चीज़ें मिलिट्री के कुछ खास बंदों को देने का फैसला किया, तो कुछ 4 या 5 ऐसे खास बंदे हैं जिनके पास पासवर्ड है,
बट पासवर्ड गवर्नमेंट ही उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो संभाल के रखे। और पता है पासवर्ड जनरेशन से जनरेशन के पास जाता रहता है। वो ऐसे जैसे मान लो आज से कम 50 से 60 साल पहले पासवर्ड मिलना शुरू हुआ था, पासवर्ड गवर्नमेंट देती है और वापस ले लेती है। पासवर्ड दिया किसको जाता है? सिर्फ लड़कियों को। मान लीजिए अब जैसे एडम खाली अकेला इनका बेटा होता और लड़की ना होती तो पासवर्ड किसी को नहीं मिलता, गवर्नमेंट अपने पास रखती। बट वो अलग जगह पे संभाल के रखी सकती है मेरे हिसाब से। तो पता नहीं देने का फैसला क्यों किया, शायद से इसलिए किया हो क्योंकि भाई मिलिट्री के ऊपर अटैक हो जाए, कुछ हो जाए इमरजेंसी में, बट बंदों के ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि आखिर इस बंदे के ऊपर ऐसा चीज़ दे के रखे मिलिट्री ने, इसी वजह से मिलिट्री ने सारा काम किया होगा। तो इसीलिए, और भाई एक शर्त होती थी पासवर्ड मिलने के लिए घर वालों को, मान लीजिए जैसे कि लड़की की जब तक शादी नहीं हुई ना तो जब तक पासवर्ड उसको नहीं दिया जाता था, क्योंकि शादी के बाद वो काफ़ी जिम्मेदार हो जाती है ऐसा मिलिट्री वालों का मानना है, फिर वो बच्चे नहीं होते, उनको काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाती है, इसलिए शादी के बाद ही हर पासवर्ड मिलता था हर एक लड़की को उसी परिवार की जिनको मिलिट्री ने सेलेक्ट करके रखा हुआ था, सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को नहीं ये दिया जाता। मिलिट्री वाले समझते हैं लड़कियों में ज़्यादा अकल होती है लड़कों से, इसीलिए सिर्फ लड़की को पासवर्ड मिलता था, और जब लड़की मरने वाली होती है तो पासवर्ड वापस मिलिट्री ले लेती है। ऐसा ही पहले हुआ था इनके परिवार में, अब तक सिर्फ एक बार वो पासवर्ड मिला है। वो मिला था जब इसकी वाइफ थी, मतलब कि वो वाइफ मर गई हमारे प्यारे इन बंदे की, तो वो पासवर्ड वापस ले लिया गया। लड़की छोटी थी, अब जैसे लड़की बड़ी हुई, लड़की की शादी हुई तो पासवर्ड इसको मिला। आर्मी वालों ने शादी में गिफ्ट में उसको पासवर्ड दिया था, जैसे यहाँ से निकले थे टैरी को लेकर के। भाई मेरे को ये बात पता नहीं थी, जब टैरी और वो गाड़ी से जा रहे थे मैंने उनको बाय बोला था, तो मिलिट्री वालों ने रास्ते में उस लड़की को पासवर्ड दिया एक चीज़ में। लड़की को पता नहीं था वो क्या चीज़ है क्योंकि उसको आज तक पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, ये भी ना भाई। और टैरी और हैकर इस चीज़ को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी शादी कराई जानबूझकर ताकि आर्मी उसको पासवर्ड दे। बड़ा बुरा हुआ। अबे आर्मी वाले नमूनों, क्यों दिया तुम लोगों ने उसको पासवर्ड जब तुम्हें पता था वो टैरी से शादी कर रही है, कोई शरीफ बंदा नहीं है टैरी नमूनों का सरदार। काफ़ी बुरा हुआ। बट एक तो मेरे को मिलिट्री की बात समझ ही नहीं आ रही, इतनी सिक्योर चीज़ का पासवर्ड अपने पास रखो ना, भरोसे के बंदों के पास पहुँचा के रखा है, कमाल कर दिया। और वो भी लड़कियों को मिलता है, और लड़की जब तक शादी वाली ना हो जब तक नहीं देते, शादी हो जाती है तब पासवर्ड मिलता है, और मरने से पहले फिर ले लेते हैं, लड़कों को देते नहीं है। ये सही है भाई, तो इस चक्कर में सारा काम हुआ है। तो मेरे को भाई फिलहाल ये पूरी स्टोरी समझ में आ चुकी है कि आखिर शादी क्यों करी टैरी ने और वजह क्या हुई है, सब उस पासवर्ड के चक्कर में जो आर्मी शादी के बाद उसको देने वाली थी। लड़की का तो कुछ पता भी नहीं था बेचारी को। वाह भाई वाह, तभी तो बोलूँ एडम को पासवर्ड क्यों नहीं मिला, क्योंकि एडम लड़कों में आ रहा है ना, और लड़कों के लिए चीज़ नहीं है। चलिए भाई, जो भी है मिलिट्री के सस्ते से मेरे को पता चल चुके हैं, वे मिलिट्री की गलती मानूंगा मैं, पासवर्ड आम आदमी को नहीं देना चाहिए कभी भी। मैं गाड़ी लेकर के भाई बाबा की तरफ निकलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे हैकर्स का फोन आया था, उन्होंने भाई बाबा को देखा है बैठे हुए दोबारा से पत्थर में। बाबा आज फिर से आए मुझसे मिलने के लिए, आज क्यों आए हैं भाई? देखो आज भी आए हैं, इसको लगातार आ रहे हैं अब दोबारा उनसे मिलने के लिए। लगता है ट्रेवर की जान पर कुछ ज़्यादा ही खतरा आएगा यार, सही में अब की बार डरा रहे हैं मेरे को बाबा फिर से इतनी जल्दी से आ गए, नहीं तो भाई बड़े दिन में आए थे अब की बार, तो पहुंच तो देखते हैं अब की बार क्या बोलने वाले। पहुंच गया हूँ भाई मैं जगह पर, बाबा जी खड़े हुए, मैंने दूर से देख लिया। बाबा जी अब की बार फिर से मत डराओ, देखो आप क्यों मुझे डराते रहते हो बार बार। अच्छा बोलिए अब क्या हो गया? ट्रेवर मैं तुझे डराता नहीं बेटे, तेरे को बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। बट ट्रेवर मैंने हल निकाल लिया तेरी मौत का, ट्रेवर मेरे को बड़ी खुशी है। मैंने पूरे 36 लाख चीजों को ट्राई करा है ट्रेवर, 36 लाख, पता है तुझे शायद से अंदाजा भी नहीं होगा, मैंने तुझे 36 लाख बार मरते हुए देखा है ट्रेवर, वो भी अलग अलग तरीके से, मैंने हर एक एंगल से हर एक सिचुएशन में तेरे को मरते हुए देखा है। बट फाइनली हर एक चीज में सिर्फ एक ही रिजल्ट निकला है ट्रेवर, अगर तू आग से दूर रहे तो तू बच सकता है, 90% ये पॉसिबल है कि तू बच सकता है, बट 10% फिर भी मुश्किल है। बट अगर तू आग से दूर रहे ट्रेवर तो तू बच जाएगा मेरे बेटे, इसलिए आज से अब से ही तू आग से दूर रहेगा, प्रॉमिस कर मुझसे, तू आग से दूर रहना और तू बच जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं ट्रेवर, क्योंकि 36 लाख मैंने नतीजे निकाले बट तू तब भी मरा ट्रेवर। 36 लाख, हो भाई इतना ज्यादा बड़ा आंकड़ा, इतनी ज्यादा सिचुएशन बाबा ने चेक करी, बट हर सिचुएशन में मरा हूँ भाई। बट इन्होंने सारी सिचुएशन को कैलकुलेट किया और फिर मुझे बोलते है कि ट्रेवर सिर्फ आग से दूर रहना और तू बच जाएगा, तो इसका मतलब ट्रेवर की मौत आग के कारण होने वाली है। कोई मेरे को आग में डालेगा क्या? जो भी है भाई पता मैं कर लूंगा, जो भी है पता लग जाएगा। चलिए ठीक है ट्रेवर पर निकल यहाँ से, थैंक यू बाबा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप बड़े अमेजिंग हो, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हेल्प करने के लिए, इतनी चीज़ों को चेक करने के लिए। बाबा बड़ी कोशिश कर रहे हैं मेरे को बचाने के लिए, बट भाई देखते होने को कोई टाल पाएगा नहीं टाल पाएगा, पता लग जाएगा, निकलते होने को कोई टाल पाए ना पाए, बट इनको मैं टाल दूंगा। ये नमूने जब भी मौका देगा तभी आ जाते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए। अबे किसने छोड़ के रखा यार तुम लोगों को, हद बचाते हो, बेशर्म हो यार एक नंबर के। देखो ये वही बंदे, देखो बादशाह के बंदे, ये भाई जो हॉस्पिटल में आए थे ना माइकल के ऊपर अटैक करने के लिए,
फिर से गाड़ियां लेकर के आ चुका बड़े प्यार से। आ जाओ आ जाओ, मैंने तो दूर से देख लिया था तुम्हारा इंतजार। हो भाई का लगी नमूने को सॉरी, मरे नहीं, मर जाइए मर जाइए। चलिए फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई गन चलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बंदों का नीता बनाने में। वैसे तीन चार बंदे छोड़ दिए मैंने, सब तो मैंने मार दिए भाई, दो चार बचे। ओके ये खत्म हो गया। टकलू भैया हमारा, ये चाचा जो कि चाची जी थी क्यों फ्री में मरने के लिए आई थी आप इनके चक्कर में, ये तो बेवकूफ़ बंदे होते हैं बाकी तो। तो चलिए फिलहाल भाई मैंने इन सभी का नेता बना दिया, बार बार आए थे मुंह उठा करके मरने के लिए, कमाल हो जाता है भाई। ये लॉस सेट तो खैर भाई पैसे के लिए यहाँ पे कभी नहीं सुधरेगा बंदे, हमेशा चाहे कोई कितना ही बड़ा माफी क्यों ना बन जाए, हर कोई बंदा कोई ना कोई तो आता है ये मारने के लिए और आता रहेगा, क्योंकि जब तक लालच रहेगा दुनिया में जब तक हमला नहीं रुकेगा। लेस्टर मुझे मिलने के लिए बुला रहा है दोबारा से फैक्ट्री पर, उसे पता चल गया बादशाह के बारे में। चलिए जल्दी से पहुंचता हूँ, बोल रहा है कि ड्राइवर तुम्हें यहीं पे आके बताऊंगा, जल्दी पहुंचो। पहुंच चुका हूँ लेस्टर भैया के फैक्ट्री पर। वैसे बाइक का कितना फायदा होता है, मैं बाइक को ऊपर ही ले घुस जाता हूँ सही रहता है, अब पैदल उतर के चलना पड़ता है बार बार। एक तो इसकी फैक्ट्री में घंटा लगता है चढ़ने में सीढ़ियों पे। आंटी जी क्या हाल चाल, तीनों के तीनों आई भाई ड्यूटी पर। और भाई लेस्टर थके हुए क्या हाल चाल है, बोल क्या हो गया। बादशाह की इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई है भाई, लेस्टर ने पता लगा लिया फाइनली, बादशाह कूका का छोटा भाई है। कूका ने बादशाह को 30 साल पहले लात मार के भगा दिया था भाई स्पार्टा से, क्योंकि वो उसकी मर्जी के बिना काम कर रहा था। बट फिर भी भाई कूका को काफी पसंद करता था। देखो कूका ने शायद से ये दुनिया के लिए किया था, ऐसे लेस्टर बोल रहा है कि वो दुनिया के लिए उसने ऐसा किया था क्योंकि एक गलती हो गई थी बादशाह से। तो कूका ने स्पार्टा के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने भाई को बुरा भला बोला और उसको निकाल दिया वहां से, बट उसको काफी अफसोस था उस चीज का। और कूका ने फिर बाद में उससे मिला भी और बोला कि मुझे माफ करना बादशाह, बट मेरे को करना पड़ा, बट अब तू स्पार्टा में मत आना। इसीलिए भाई फिर वो स्पार्टा में कभी नहीं गया, मतलब 30 साल पहले कूका ने उसको निकाला था मजबूरी से दुनिया को दिखाने के लिए। पॉइंट क्या है, फिर वो 30 साल से अलग कंट्री में रहा और वहां पर बहुत बड़ा माफिया बना वगैरह वगैरह। उसके बाद बाकी कहानियां आप जानते ही हो, मेरा पंगा हुआ स्पार्टा से, मेरे को सारी बात पता चली, कूका ऑलरेडी मर गया था और मैंने प्रिंस को मार दिया, ये बात बादशाह को पता लगी और अब वो लॉस सेटस आ चुका है इन सभी का बदला लेने के लिए। तभी बोलूँ उसने मुझे बोला था फोन पे कि तूने मेरे भतीजे को मारा है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो बादशाह कूका का भाई है, तो देखा जाए तो भाई मैंने अपने पापा का प्रोमिस अभी पूरा नहीं किया। ड्राइवर के पापा रॉबर्ट फिलिप्स ने वादा दिया था मॉर्फियस को कि मॉर्फियस सबको मार देना, खानदान में किसी को जिंदा मत छोड़ना, ये वादा कर मुझसे। तो वादे के हिसाब से देखा जाए, मैंने सोचा था प्रिंस को मारते वादा पूरा हो गया, खानदान खत्म हो गया, बट नहीं हुआ भाई, इसका ये भाई जिंदा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास कैसे नहीं आई भाई, ये तो ना रोकी को पता इसके बारे में, अमेजिंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ना पता हो हम पता कर लेंगे, हम पता कर लेंगे। तो बस फिर भाई ये फिलहाल इस वीडियो के साथ इतना ही, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।